कर्षण के लिए चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज कुशीनगर के कर्षण थाने की पुलिस ने एक ट्रक में लगभग 40 लाख का क्रेडिट रोमियो हरियाणा निर्मित शराब बरामद करने में सफलता हासिल किया है। कुशीनगर के कर्षण थाने की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बिशुनपुरा तिराहे के पास NH-28 पर बीती रात एक अदर ट्रक से तस्करी कर ले जा रही 720 पेटी में रखा 6000 लीटर से अधिक की 34,560 सीसी क्रेजी रोमियो हरियाणा निर्मित शराब में बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक पकड़े गए शराब की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताया जा रहा है। शराब तस्कर ट्रक संख्या HR-69A-2169 नंबर की गाड़ी से शराब लेकर बिहार में बिक्री के लिए ले जा रहे थे कि पुलिस को सूचना मिली कि शराब की बड़ी खेप बिहार जा रही है, जिसे पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर अभियुक्तों के साथ शराब की बड़ी खेप बरामद किया। पीछे कुशीनगर से गुड्डू निषाद की एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार एक अभियान अवैध परिवहन अवैध निष्कर्षण के खिलाफ चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कुशीनगर पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है, जिसमें हरियाणा ब्रांड शराब इलिसिट लीकर जो कि बिहार प्रांत में ले जाई जा रही थी बरामद की गई है और ये मात्रा लगभग 6000 लीटर से अधिक की है। इस संबंध में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त आजमगढ़ का रहने वाला है और दूसरा अभियुक्त राजस्थान प्रांत से संबंधित है। इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इस बरामद इलिसिट लीकर की वैल्यू जो है वो लगभग 40 लाख रुपए की है और ये क्रम जारी है। अवैध मदिरा निष्कर्षण परिवहन के विरुद्ध कुशीनगर पुलिस लगातार कार्यरत है।